राइट अभी तक क्या क्या हो गया अपने पास, वेरियस अथॉरिटीज अपन पढ़ लिए, नाउ वेरियस अथॉरिटीज कंसिडर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ लिए, नाउ देयर पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस, देखो किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या रहता है बोले तो, या तो वाइफ या फिर फियांसी, राइट? या तो वाइफ या तो फिर फियांसी। पावर बोलते दिमाग में, वही दिमाग पावर बोलते सारे दिमाग में वही ला लो, फियांसी। तो उसके ऊपर ही मैं एक बनाया, फियांसी, फियांसी नसरीन, फियांसी नसरीन। ये नाम सिर्फ निमोनिक्स के लिए बनाया, मेरी फियांसी ना होती, ठीक है? खैर वो दिमाग में ना बोल के बनाया, पावर्स एंड फंक्शन होता फियांसी। पावर्स बोलते सारे दिमाग में ला लो फियांसी, उसका नाम नसरीन, ठीक है? मेरी ना होती, मैं फिर बोलो ना। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, फियांसी। अब इसके पास पावर क्या है, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में पावर्स क्या क्या है? सबसे पहले फाइल, फाइल ए केस आइदर इन ट्रिब्यूनल, और इन क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस कैसा हो, इम्प्रिजमेंट वगैरह हो रहा ना, तो वो क्रिमिनल केस में, तो इसके पास में अथॉरिटी है किसी के ऊपर केस फाइल करने की, राइट? नाउ नेक्स्ट आई से इम्पोज, इम्पोज पेनाल्टी किसी के ऊपर भी, मतलब वो टैक्स पे नहीं कर रहा तो टैक्स पे नहीं कर रहा और वो गिल्टी फाउंड हुआ तो उसके ऊपर पेनाल्टी फाइल कर सकता हूं, राइट? नाउ नेक्स्ट अथॉरिटी, टू कैरी मनी और डॉक्यूमेंट्स। मनी कौन सा, ब्लैक मनी, और ऑब्जेक्शनेबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो क्या कोई अगर रेड डाले, समझो रेड डाले तो पैसा मिल गया, ब्लैक मनी मिल गया, ब्लैक मनी मिला, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट छुपे हुए सो डॉक्यूमेंट्स मिले, और कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई डॉक्यूमेंट्स मिले तो वो कैरी कर सकते इनकम टैक्स अथॉरिटी। रेड मारते ना, रेड मारे तो क्या क्या पैसा मिला था सब ले लेके चले जाते, तो वो अथॉरिटी इनके पास में है। नाउ एन से नोटिफिकेशन, या जितने भी एन है पूरे नोटिफिकेशन के छह दिमाग में रख लीजिए। नोटिफिकेशन, कही कि नोटिफिकेशन इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देने का उनके पास पावर है कि आईटी रिटर्न्स फाइल करा लो, या फिर आईटी रिटर्न से रिलेटेड जितने भी कुछ नोटिफिकेशन रहते हैं न्यूज़पेपर में नो नोटिफिकेशन दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सी से कंसल्टेशन, एंड करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस, डायरेक्टली विद द फाइनेंस मिनिस्टर, FM, फाइनेंस मिनिस्टर से डायरेक्टली कंसल्टेशन कर सकते हैं, करेस्पॉन्डेंस। वो इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी रिलेटेड, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में होम मिनिस्टर से रहता, वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर से के करेस्पॉन्डेंस में या कंसल्टेशन से काम करने का रहता, ठीक है? नाउ ई से इसके पास पावर है एक्सटेंड, ऑफ टाइम पीरियड, एक्सटेंड ऑफ टाइम पीरियड ऑन रीजनेबल ग्राउंड, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है, फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक, राइट? अपन पढ़े ना फर्स्ट अप्रैल, लेकिन 3 months ग्रेस पीरियड भी है, लेकिन वो 3 months के अलावा भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में ये पावर है कि उसको एक्सटेंड कर सके, अपन ऑलरेडी डिस्कस करें, तो वो एक्सटेंड करने का, टाइम पीरियड एक्सटेंड करने का पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट एग्जामिनेशन, एंड स्क्रूटिनी, ऑफ असेसमेंट, ईयर, देखो कौन भी आईटी रिटर्न्स के लिए डालता तो उसका असेसमेंट ईयर स्क्रूटिनी करते हैं, तो क्लियरली उसका एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटिनी करने का पावर किसके पास है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में है, ठीक है? ये हो गया अपने को फियांसी, से अपने को ये इतने पावर्स मालूम हो गए। नाउ नेक्स्ट, नसरीन, तो नोटिस टू फाइल, आईटी रिटर्न्स, नोटिस इशू कर सकता पर्टिकुलर आदमी को कि तुम तुम्हारे आईटी रिटर्न्स दियो, मतलब लास्ट ईयर तुम कर रहे थे, मतलब 3 साल पहले कर रहे थे, 2 साल से नहीं कर रहे, या फिर रीजन से किसी भी एक पर्सन को पर्टिकुलरली नोटिस भेज सकते कि तुम अपना आईटी रिटर्न्स फाइल करो बोल के, ठीक है? नाउ नेक्स्ट ए से
एरियर्स, एरियर्स कलेक्शन, एरियर्स कलेक्शन, ये क्या है? फाइव अपन देखे ना, डिफॉल्ट डिफॉल्टर जैसे कि 5 साल से या 5 साल से ज्यादा बहुत पहले से इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा हूँ, चोरी चोरी कर रहा है इनकम टैक्स की, वो फाइंड आउट हो गया, तो वो पुराने जितने भी एरियर्स है वो पूरा कलेक्ट करने का पावर है इनके पास, पूरे जितने पुराने एरियर्स है वो कलेक्ट करने का पावर है विद पेनाल्टी, विद पेनाल्टी, पेनाल्टी के साथ में, ठीक है, विद पेनाल्टी क्या बोलते हैं, विद पेनाल्टी कलेक्शन पूरा एरियाज कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एस से सुपरवाइजरी, सुपरवाइजरी, अब ये सुपरवाइजरी क्या है अपन पढ़े ना, अथॉरिटीज में भी क्या है, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ये एक दूसरे के ऊपर है, अगर टैक्स ऑफिसर है तो अपनी मनमानी नहीं कर सकता इसके ऊपर, फिर चीफ ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है तो उन्हें मनमानी नहीं कर सकता क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर है उसके ऊपर भी है, तो एक दूसरे का, तो सुपरवाइजरी के अंदर अंडर काम चल रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिग नेटवर्क है, इसके लिए सुपरवाइजरी या हायरार्की भी बोल सकते हैं, तो सुपरवाइजरी के, सुपरवाइजरी चल रही है, उसके अंडर काम चल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर से, सबको मालूम इसके बारे में, रेड, इसके पास पावर है रेड, रेड करने का, किसके ऊपर, कोई घर में कर सकता रेड, कोई शॉप में कर सकता रेड, कोई ऑफिस में, ऑफिस में कर सकता राइट, और कोई इंडस्ट्री में कर सकता, लेकिन अंडर जुरिस्डिक्शन, उसका जुरिस्डिक्शन है ना, कहीं पे भी आया दिल में इन्हें तेलंगाना का है जाके आंध्रा में मैं रेड करता हूं, ना जो पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन के अंडर रेड कर सकता, और रेड करने के बाद जो भी पैसा वगैरह मिला उसके उन्हें ले आ सकता, उसके पास वो पावर है, ठीक है। नाउ ई से इंटरटेंट, इंटरटेंट कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट है रिलेटेड इनकम टैक्स की, कोई बाजू, कोई कंप्लेंट कर रहा कि सेवन मिनट, कोई कंप्लेंट कर रहा कि बाजू वाले के पास इतना पैसा है तो उन्हें दोबारा दोबारा, तो वो कंप्लेंट को इंटरटेंट भी कर, इंटरटेंट कर सकते, मतलब उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन ले ले सकते, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट आती पुलिस डिपार्टमेंट कैसे एक्शन लेता, वैसे इंटरटेंट इट हैज अ पावर टू इंटरटेंट दैट कंप्लेंट एंड टेक अ नेसेसरी एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट देम, ठीक है। नाउ ई से एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एसएससी, फ्रॉम एसएससी फॉर क्लैरिफिकेशन, फॉर क्लैरिफिकेशन। अब ये क्या है, अपन ऑलरेडी पढ़े ना कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में एक पावर है कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है उसके, उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स दिया या फिर उसका जो ट्रांजेक्शन है उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में पावर है कि एसएससी को नोटिस देके बुला सकते हैं, या एसएससी को बुला सकते हैं विद टैक्स ऑफिसर के साथ, मतलब विद क्या बोलते हैं टैक्स एनालाइजर जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, कई बोले तो उसको नहीं समझ में आता फिर, तो उसको इनके पास पावर है कि एक्सप्लेनेशन के वास्ते बुला सकते हैं अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला तो, ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन के वास्ते बुलाते बुला के क्लियर करते, ठीक है। नाउ लास्ट, अब कितने हो गए, फियांसी नसरीन राइट, अब एक और एक है नोटिस, ये जितने भी एन है नोटिस है, याद रख लो ये नोटिस, अब इसमें ये एन में, ये नोटिस में, ये नोटिस में कंफ्यूज ना, ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, ये नोटिफिकेशन पर्टिकुलर आदमी को दे रहे हैं, ठीक है, ये नोटिफिकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन, नोटिस ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अबाउट बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट या फिर प्रॉपर्टी परचेस, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी परचेस, अब इसका मतलब क्या बोलते हो, मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी से, मेरी सैलरी जितनी है उससे कई ज्यादा अमाउंट आ जा रहा, तो उसका, उसके लिए मेरे को नोटिस पर्टिकुलरली इश्यू होती कि सो एंड सो इतना पैसा आ रहा वो कहाँ से आ रहा, राइट ना, अगर मैं कोई प्रॉपर्टियां खरीद रहा हूँ, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो वो कहां से आ रहे हैं, वो पैसे का ट्रांजैक्शन हिसाब बताओ बोल के, तो वो नोटिस है, ठीक है, ये एन नोटिफिकेशन इन न्यूज़पेपर, ये एन नोटिस टू फाइल आईटी रिटर्न्स, ये एन नोटिस ऑफ एक्सप्लेनेशन अबाउट बैंक डिपॉजिट एंड प्रॉपर्टी परचेज, ठीक है। तो फियांसी नसरीन से अपने को मालूम हो गया, पावर्स एंड फंक्शंस वेरियस अथॉरिटीज अपन देख लिया, ठीक है, राइट, चार आंसर्स बना दिया पूरे इनकम टैक्स रिटर्न्स के, बाकी के जीएसटी के तो आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर जीएसटी में अगर कोई डाउट है तो
मेरे को आंसर भेजो, मैं हुआ तो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, राइट, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।